इंजन कंपार्टमेंट खोलने के लिए जो कि यहाँ पे दिया गया है, गाड़ी की चाबी का प्रयोग करें। चाबी को यहाँ पे लगाएं, इसको दबाएं अंदर और यहाँ पे दिए हुए लैच को दबा के इसको ऐसे खोल दीजिए। ये आपका इंजन कंपार्टमेंट खुल गया। लैच, ये लैच इस प्रकार दबाने से खुल जाएगा। ये पियाजो का अधिकृत इंजन ऑयल का कैन है 500 ml का, जो कि गाड़ी के साथ आपको दिया जाएगा। यदि गाड़ी में आपको तेल डालने की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले इसको खोलिए। यहाँ से पेचस या किसी नुकीली चीज़ की मदद से इस सील को हटाइए। इंजन ऑयल डालने के लिए आप ये फिलिंग कैप दी गई है पीले रंग की, जिसे आप देख रहे हैं, इसको आपने अपने हाथ की मदद से ऐसे घुमा के इसको लूज करना है। ये फिलिंग कैप है, इसमें जो दो निशान दिए गए हैं, लोअर लेवल अपर लेवल, इंजन ऑयल इस लेवल से अधिक नहीं होना चाहिए और इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। कीप के पाइप को इंजन ऑयल के इंजन के ऑयल डालने के ये हमने फिलर कैप हटाने के बाद कीप लगा दी और अब इसमें हम इंजन ऑयल इस प्रकार डालेंगे। ओके, फिलर गेज को कपड़े में से साफ कीजिए और इसे वापस इसकी जगह पे टाइट कर दीजिए। गाड़ी में यदि सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं तो ये एक मुख्य फ्यूज़ है जो बैटरी के पास इस तार के साथ, बैटरी पॉजिटिव तार के साथ दिया गया है। इसको बदलने के लिए, इसको चेक करने के लिए इस लॉक को खोलें, इस फ्यूज़ को निकालिए, इसकी जांच कीजिए। 30 एम्पीयर का फ्यूज़ है, यदि फ्यूज़ उड़ गया है तो नया फ्यूज़ लीजिए, सेम एम्पियर का लीजिए, कोई तार नहीं बनना चाहिए और इसको यहाँ पे बिठा के दबा दीजिए और इस कवर को वापस लगा दीजिए।